दोस्तों, चतुर होना बुरा नहीं होता, लेकिन चतुराई अगर किसी का नुकसान करे तो उसे ठगाई कहते हैं, और वो यकीनन बुरी बात है। बसंतपुर गांव ठगों से भरा है। आइए देखते हैं दिनकर का भांजा आशीष इस ठगाई का शिकार होता है या नहीं। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आशीष कॉलेज के एग्जाम के बाद छुट्टियाँ बिताने कुछ दिन अपने मामा दिनकर के गांव आता है। उस बसंतपुर गांव के लोग ठगबाजी में बड़े माहिर हैं। आशीष के मामा दिनकर भी बहुत बार इस ठगी के शिकार हुए थे। आशीष, यहाँ किसी से ज्यादा बात मत करना, संभल के रहना। क्यों मामा, पहले तो आपने कभी ऐसे नहीं कहा। हाँ, लेकिन तब की बात अलग थी। अब ये गांव ठगों से भरा है, एक दूसरे को ठगने में इन्हें बड़ा आनंद मिलता है। दिनकर की बात सुन के आशीष चकित हो जाता है। लगता है मामा बेवजह चिंता कर रहे हैं। एक दिन दिनकर हमेशा की तरह अपने खेत पर निकलता है। आशीष, आज मैं तालुका बाजार जा रहा हूँ, तुम चलोगे? नहीं मामा, मैं आज गांव में ही चक्कर लगाऊंगा। बहुत सालों बाद आया हूँ, कुछ पुराने दोस्तों से भी मिल लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना। दिनकर अपने काम पे चला जाता है और आशीष घूमने निकलता है। काफी नए चेहरे और नए घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आशीष गांव में घूम रहा है, तभी एक गुंडे जैसे दिखने वाला हट्टा कट्टा आदमी उसके सामने आता है। उसकी एक आंख पे काली पट्टी है। तुम आशीष हो ना, प्रजापति साहूकार के पोते? जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे, तब तुम इतने से थे। ओह अच्छा अच्छा, ये आपकी आंख को क्या हुआ है? ये तुम्हारे दादाजी की मेहरबानी है, उन्होंने मेरी एक आंख गिरवी रखी थी। मोहन की बात सुन के आशीष उलझन में पड़ता है। आग गिरवी रखी थी, ये क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ, उस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने मेरी आग गिरवी रख ली और मुझे 5,000 रुपए दिए थे। मोहन की बात सुन के आशीष सोच में पड़ता है। लेकिन दादाजी तो नहीं रहे अब, आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या मतलब, मैंने उनके सारे पैसे चुकाए थे लेकिन मेरी आँख उन्होंने मुझे वापस नहीं दी और वो चल बसे। अब तुम मेरा हिसाब पूरा करो। मोहन की बात सुन के आशीष जरा सा डर जाता है। अब मुझे यहाँ से कल्टी मारनी चाहिए, नहीं तो ये गुंडा मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या सोच रहे हो, जल्दी से मेरी आँख वापस करो, नहीं तो मेरे पैसे दे दो। आशीष बड़ी नम्रता से उस गुंडे से कहता है। जी मैं घर जाके आपकी आँख ढूंढता हूँ, आप रात को घर आके अपनी आँख लेके जाइएगा। आशीष तुरंत वहाँ से निकलता है और घर आता है। कैसी अजीब बात कर रहा था वो आदमी, भला दादाजी उसकी आँख क्यों गिरवी रखेंगे। आशीष को दिनकर मामा की सलाह याद आती है। मामा सही थे, अब मुझे होशियारी से काम लेना होगा। आशीष गांव के मटन शॉप में जाता है। चाचा मुझे 4-5 बकरे के भेजे और 7-8 आंखें चाहिए। आशीष की अजीब मांग सुनकर मटन शॉप वाला चकरा जाता है। क्या, तुम्हें बकरे के सिर्फ भेजे और आंखें चाहिए? जी हाँ, आपने सही सुना। आशीष बकरे के भेजे और आंखें लेके घर आता है। शाम होते ही दिनकर घर लौटता है और आशीष दिनकर को मोहन का किस्सा सुनाता है। दिनकर आशीष की बात सुन के चिंतित हो जाता है। क्या, मैंने कहा था ना तुमसे घर से बाहर मत निकलो और अनजान लोगों से बात मत करो। मामा आप शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आशीष दिनकर को अपनी योजना बताता है। दिनकर फिर भी थोड़ा चिंतित है। भांजे, तुम्हारी योजना तो काफी अच्छी है, लेकिन इस गुंडे मोहन को हजम होनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। कुछ ही देर बाद घर के बाहर से मोहन की आवाज सुनाई देती है। ए लड़के ला, कहाँ है मेरी गिरवी रखी हुई आँख? मोहन की आवाज सुनकर आशीष और दिनकर घर के बाहर आते हैं। अरे मोहन जी आप आ गए, कृपा करके बैठिए। ए लड़के, मीठी मीठी बातों में मुझे उलझा मत, मेरी आँख दे नहीं तो 10,000 रुपए वापस कर। 10,000? हाँ, इतने सालों का सौदा कैसे छोड़ू मैं, साहूकारी हमें भी आती है। इतनी देर शांति से मोहन की बातें सुन रहा आशीष दिनकर को कहता है। मामा वो अंदर रखी डिश लाइए ना। दिनकर घर के अंदर जाता है और थाली में बकरे की एक आंख ले आता है। ये लीजिए मोहन जी, आपकी आंख। आंख देख के मोहन चौंक जाता है। अरे ये लड़का तो बड़ा चालाक निकला, अब इसे कैसे ठगू। क्या हुआ मोहन जी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं ये मेरी आंख नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। मामा अंदर से दूसरी आंख लाइए, शायद वो मोहन जी की हो। इस प्रकार दिनकर 2-3 बार अंदर जाके अलग अलग आंखें ले आता है, लेकिन मोहन वो आंखें स्वीकार नहीं करता। ए लड़के मुझे बेवकूफ मत बना,
लगता है मेरी आंख तुम्हारे दादाजी ने खराब कर दी है। अब मुझे मेरे पैसे लौटा दे, पूरे 10,000। मोहन की बातें सुनकर आशीष दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और भेजी और आंखों से भरी टोकरी ले आता है। ये लीजिए मोहन जी, आप ही के जैसे काफी लोगों ने उस वक्त अपनी आंखें और भेजा यानी मस्तिष्क दादाजी के पास गिरवी रखा था। भेजे और आंखों से भरी टोकरी देख मोहन चकरा जाता है। क्या हुआ मोहन जी, आप इसमें से अपनी आंख ढूंढ लीजिए ना, या फिर ये सारी आंखें आप रख सकते हैं। वैसे भी इसमें से कई लोग स्वर्गवासी हुए हैं। आशीष की होशियारी देख के मोहन समझ जाता है कि यहाँ उसकी दाल गलने से रही। नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेरी आंख अब। मुझे एक आंख से देखने की आदत हो गई है अभी, और गांव में अच्छा डॉक्टर भी नहीं है जो मेरी आंख ठीक से जोड़ दे। मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और यहाँ दिनकर अपने भांजे की अकलमंदी पर खुश होता है। वाह आशीष वाह, क्या खूब सबक सिखाया उस ठग को। लगता है अब तुमसे ही कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी इस गांव में निभा पाऊंगा। तो देखा दोस्तों, जरा सी सूझबूझ और चालाकी से कैसे आशीष ने ठग को सबक सिखाया। इसीलिए जब हम घर से बाहर रहते हैं, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपना नुकसान होने से बचना चाहिए। चलिए फिर जल्दी आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। संगीता एक 18 साल की बहुत अच्छी लड़की है। पिछले साल माँ के गुजरने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली है। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिताजी श्रीधर दूसरी शादी करके नई बीवी के साथ घर आए। संगीता, ये तुम्हारी माँ है, अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। पिताजी की बात सुन के संगीता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके और पिताजी के बीच कोई तीसरा आए, ये बात उसे खटकती है। वो अपने पिताजी के साथ बहुत बेरुखी से पेश आती है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ पिताजी। संगीता नाराजी से कॉलेज चली जाती है। उसका व्यवहार देख के श्रीधर और सौतेली माँ थोड़े दुखी हो जाते हैं। आप बुरा मत मानिए, हमारी शादी के बारे में उसे पता नहीं था। थोड़ा वक्त जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संगीता बहुत सुस्वभावी लड़की है। जी कोई बात नहीं। दिन गुजर रहे थे, संगीता और उसकी सौतेली माँ के बीच का तनाव बढ़ रहा था। संगीता कॉलेज से जल्दी घर आया करो। अब क्यों मेरी लाइफ में ताकझाक कर रही है, अपना काम देखिए। वही तो कर रही हूँ बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए ये स्वेटर तुम। बस कीजिए ये प्यार का नाटक, आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, ये याद रखिए। संगीता अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उनकी हर बात से उसे गुस्सा आता, फिर चाहे वो उसकी भलाई के लिए क्यों ना हो। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर बात में दखल अंदाजी कर रही है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो, ये कपड़े पहनो, घर जल्दी आओ, I just hate her। संगीता की सौतेली माँ का पेशेंस भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अब दोनों में रोज नोकझोंक होने लगती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कितना भी किसी के लिए करो उसे उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। क्या हर सौतेली माँ बुरी होती है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, ये लड़की है ही नकचड़ी, बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है इसे। ससुराल जाके हमारी ही नाक काटेगी ना। लेकिन और नहीं तो क्या, तुम भी अब उसके साथ सख्ती से पेश आना। संगीता और उसकी माँ श्रीधर से एक दूसरे की शिकायत करती रहती है। श्रीधर के लिए अब एक नई टेंशन हो गई है, उसके लिए दोनों ही समान रूप से इम्पोर्टेंट है। सुनिए आप जरा अपनी लाडली को समझाइए, मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, मैं क्या दुश्मन हूँ उसकी? आप शांत रहिए, मैं उससे बात करूंगा। वो तो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, कुछ फायदा हुआ? श्रीधर को समझ नहीं आ रहा है संगीता और अपनी पत्नी को कैसे समझाएं। संगीता अपने मामा मनोहर के काफी करीब है, कुछ दिन के लिए उसे मामा के घर भेजता हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा उसका। पास ही के गाँव में संगीता के मामा मनोहर की दवाई की दुकान है। संगीता अपने मामा मनोहर की बहुत लाडली है, वो श्रीधर की अनुमति से मनोहर के यहाँ 2 दिन रहने आती है। चलो अच्छा हुआ तुम 2 दिन यहाँ रहने आई, मुझे भी बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। मामा क्या मैं आपके घर हमेशा के लिए रहने आ सकती हूँ? संगीता का सवाल सुन के मनोहर चकित हो जाता है। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? संगीता झिझकते हुए अपनी मन की बात मनोहर को बताती है। जी वो मैं मेरे उस घर में आई नई औरत के साथ बिल्कुल नहीं बनती, आई हेट हर।
ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी माँ है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं हो सकती मामा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में दखलअंदाजी करती है। बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मनोहर संगीता की बातें सुन के परेशान हो जाता है। मामा, आप केमिस्ट हो ना? हाँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? आप मुझे ऐसी दवा दीजिए जो जहर के जैसा काम करे। मनोहर संगीता की बात सुन के चौंक जाता है। उससे तुम्हारी समस्या कैसे खत्म हो जाएगी? मैं उस नई माँ को वो दवा खिला के मार डालूंगी। मनोहर को संगीता की बात सुन के झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। बात काफी सीरियस हो चुकी है। मनोहर घर की अलमारी से एक दवा की शीशी ले आता है और वो संगीता को देता है। संगीता, ये एकदम जालिम दवा है, बस तुम रोज इसमें से 2 बूंद दवा तुम्हारे माँ के खाने में मिला दो। ये दवा एक साथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते मामा? इस दवा से तुम्हारे माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि वो बीमारी की वजह से, मतलब धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से स्वर्गवासी हो गई, मतलब नेचुरल डेथ। अच्छा, ठीक है। लेकिन और एक जरूरी बात तुम्हें करनी है। वो क्या मामा? इस दरमियान तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ एकदम अच्छा व्यवहार रखना होगा, ताकि जब वो मर जाए तुम पर कोई शक ना करे। संगीता मामा की बात से राजी होती है और 2 दिन बाद अपने घर लौट आती है। संगीता, तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाना है तो खा लो। ओह, थैंक यू माँ, जरूर बढ़िया बनी होगी। संगीता का बदला व्यवहार देख उसकी माँ और पापा खुश हो जाते हैं। चलो बढ़िया है, लगता है मनोहर मामा ने संगीता को अच्छी समझ दी है। संगीता ने अब रोज उसकी माँ के खाने में उस दवाई की 2 बूंदे डालना शुरू किया और उनके साथ बड़े प्यार से पेश आने लगी। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी माँ भी उससे प्रेम पूर्वक पेश आने लगी और इस प्रकार कुछ ही दिनों में दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदल गया। माँ, समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कल ही बना देती हूँ। बस जरा ये हाथ का दर्द थोड़ा कम हो जाए, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। ओह, आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? लाइए, मैं आपके हाथ को मालिश कर देती हूँ। माँ के हाथ को मालिश करते समय संगीता सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये कहीं मेरी उस दवा की वजह से तो नहीं हो रहा। अगले ही दिन संगीता की माँ बुखार से बीमार पड़ जाती है और संगीता मन ही मन डर जाती है। वो तुरंत अपने मामा के घर पहुँचती है। अरे संगीता बेटा, तुम कब आई? मामा, क्या आपके पास उस जहर वाली दवा का असर नष्ट करने वाली कोई एंटीडोट दवा है? क्यों, क्या हुआ? मामा, मेरी माँ दरअसल बहुत अच्छी है, मैंने ही खामखा उनके बारे में घृणा पाली थी। ओ, लेकिन तुम्हें तो उनसे छुटकारा चाहिए था ना? नहीं, मैं गलत थी, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन अब उस जहर का असर दिख रहा है, वो बीमार पड़ रही है, प्लीज उस जहर का एंटीडोट दीजिए। कौन सा जहर? जो आपने मुझे दिया था माँ के खाने में मिलाने के लिए। संगीता की बात सुन के मनोहर हंस पड़ते हैं और संगीता चकरा जाती है। संगीता, मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वो कोई जहर वहर नहीं थी, शक्कर की चाशनी थी। मनोहर की बात सुन के संगीता चकित और रिलैक्स हो जाती है। क्या? ओह थैंक गॉड, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मामा? देखो बेटा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि हर कोई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की दिल से कोशिश करनी चाहिए, तभी अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। संगीता मनोहर की बात ध्यान से सुन रही है। और जब कभी अपने ही लोगों के बीच तनाव आ जाता है, तब उनसे जुड़े हर किसी व्यक्ति की यही कोशिश होनी चाहिए, वो दोनों परिचितों को शांत रहने का सुझाव दे और उन्हें सही दिशा दिखाए। बस मैंने वही किया। संगीता मामा को धन्यवाद देके तुरंत अपने घर निकलती है। जिंदगी में पहली बार जहर की वजह से रिश्ता जुड़ते देखा है, ना कि मरते हुए, वरना जहर तो मारने के लिए ही बदनाम है। लल्लन रोज की तरह अपने छोटे से रद्दी के ठेले पे बैठा था। लोग रद्दी बेचने आ जा रहे थे, तभी उसकी पत्नी और बेटा वहाँ आते हैं। सुनिए, आज बंटी की फीस भरने का आखिरी दिन है। ये लो 500 रुपए, कैसे तैसे जमा कर पाया हो। रेशमा और बंटी निकल जाते हैं और लल्लन सोच में पड़ता है। ये धंधा अब कुछ खास नहीं चल रहा, सबके पास मोबाइल आया है और गाँव के नौजवान तो उसी पे ऑनलाइन खबरें देखते हैं, न्यूज़पेपर खरीदी बहुत कम हुई है। बंटी को स्कूल छोड़ के लौटते वक्त रेशमा फिर से ठेले पे आती है। लल्लन को चिंतित देख सोच में पड़ती है। सुनिए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं सोच रहा था कुछ और काम धंधा भी शुरू करूं,
इस रद्दी के धंधे से हमारा गुजर बसर नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, बंटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ते ही जाएगा, क्यों ना हम उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाए। नहीं नहीं, मैं उसकी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करूंगा। बंटी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है और हमेशा स्कूल में अव्वल आता है। कई बार स्कूल के बाद और छुट्टी के दिन वो रद्दी के ठेले पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करता है और लल्लन का हाथ भी बटाता है। बंटी, मैं जरा बैंक होके आता हूँ, ठेले पे ध्यान रखना। जी पिताजी। बंटी बड़ा तेज दिमाग है, वो ठेले पे आए ग्राहकों की रद्दी ठीक से तोल के उनसे पैसे की लेन देन करता है। चाची, आपकी रद्दी 3 किलो 700 ग्राम है, ये लीजिए 55 रुपए 50 पैसे। अरे वाह बंटी, बड़े होशियार हो, बिना कैलकुलेटर के हिसाब कर दिया। खाली समय में बंटी ठेले पे आई विविध विषयों की किताबें पढ़ता है और इसी कारण उसका जनरल नॉलेज काफी अच्छा हो गया है। ऐसे साल गुजर गए और एक दिन अनहोनी हो गई। रास्ता क्रॉस करते वक्त लल्लन और रेशमा का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें दोनों की मौत हुई। अब बंटी एकदम बेसहारा हो गया। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी और तुम्हें शिक्षा भी दूंगी। बंटी, तुम तुम्हारे दूर के चाचा के पास क्यों नहीं चले जाते, वो तुम्हारी परवरिश करेंगे। नहीं चाचा, मेरे पिताजी को किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं था, मैं खुद रद्दी बेचूंगा और अपनी परवरिश करूंगा। जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिन बाद बंटी ने रद्दी का ठेला संभाल लिया, लेकिन इस दौरान उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट गई। अब उसके स्कूल के कुछ बिगड़े लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे वो देखो, हमारे स्कूल का स्कॉलर तराजू लेके बैठा है। क्या तोल रहे हो स्कॉलर, अकल बड़ी की भैंस। अब इसका फ्यूचर तो सेट हो गया यारो, आखिर रद्दी वाला ही बना अपने फादर के जैसा। लड़कों की बातें सुनकर बंटी दुखी होता है, लेकिन फिर अपने काम में जुट जाता है। नाइट स्कूल में एडमिशन लूंगा तो मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकता हूँ, फीस भी कम होंगी। अगले दिन से बंटी नाइट स्कूल जाना शुरू करता है। दिन भर रद्दी का ठेला, किताबें पढ़ना और रात को नाइट स्कूल, अब उसका रूटीन बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, गर्मियां शुरू होती है। एक दिन बंटी के ठेले के सामने एक आलीशान कार पंचर होती है। अंदर एक बड़े ऑफिसर बैठे दिखाई देते हैं। सर, आपको पानी चाहिए या आपको थोड़ा आराम करना है तो आप मेरे ठेले की छांव में बैठ सकते हैं। बंटी की समझदारी देख ऑफिसर उसके ठेले पे आके बैठते हैं। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है। पंचर रिपेयरिंग का काम एक तरफ शुरू होता है, दूसरी तरफ ऑफिसर एक पहेली सुलझाने में दंग हो जाते हैं और बंटी उन्हें ऑब्जर्व करने में। कुछ समय बाद कार ठीक हो जाती है और ऑफिसर वहाँ से निकल पड़ते हैं। पहेली वाला न्यूज़पेपर वो वहीं छोड़ जाते हैं। अरे ये क्या, लगता है सर गलती से ये न्यूज़पेपर भूल गए हैं, गाड़ी का नंबर नोट करता हूँ। बंटी फुर्ती से कार का नंबर नोट करता है। अब उसका ध्यान न्यूज़पेपर की पहेली पे जाता है। ओह, इस महाशब्द पहेली का सिर्फ एक ही शब्द बाकी है, बाकी तो सर ने सुलझा ली है। बंटी रोज रद्दी में आने वाली पेपर्स की पहेलियाँ सुलझाते सुलझाते एकदम माहिर हो जाता है, इसीलिए बचा हुआ शब्द आसानी से पहचान कर पूरी महापहेली सुलझा लेता है। जो काटे तो चुभती है लेकिन उल्टा काटती नहीं, जो एक बार बढ़ने लगे तो बिल्कुल रुकती नहीं। एकदम आसान जवाब था, ये शब्द पहेली तो कंप्लीट हो गई। अब बंटी की नजर उस पहेली की इनाम पर जाती है और उसे आश्चर्य का धक्का लगता है। ओह, इस महापहेली को सुलझा के जो सबसे पहले भेजेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बंटी बिना वक्त बर्बाद किए पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, उस न्यूज़पेपर को उसमें दिए गए एड्रेस पे पोस्ट करता है और फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो जाता है। 1 महीने बाद बंटी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होती है। उसके ठेले के सामने कोई और रद्दी की दुकान खोलता है और ज्यादा भाव में रद्दी लेना शुरू करता है। बंटी के सारे ग्राहक अब उस नई दुकान में जाने लगते हैं। अब तो मेरा इस धंधे में टिकना कठिन है, दूसरा कुछ काम देखना होगा, लेकिन पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बंटी अपना ठेला बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ प्रसार माध्यमों की गाड़ियां वहां आती है। चैनल के रिपोर्टर्स, कैमरामैन आदि बंटी को घेर लेते हैं। सारा गांव जमा हो जाता है और बंटी पूरी तरह से उलझन में पड़ता है। नमस्कार बंटी जी, इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बंटी जी, हमें बताइए, आपने ये महाशब्द पहेली सुलझाई कैसे, कौन है आपकी प्रेरणा? जी, आप क्या कह रहे हैं, कौन सी पहेली? एक रिपोर्टर उसे वो शब्द पहेली दिखाता है और बंटी चकित हो जाता है। ये देखिए बंटी जी, आपने ये 1 करोड़ के इनाम वाली महाशब्द पहेली सुलझाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करोड़पति बन गए हो, वो भी इतनी कम उम्र में।
अब बंटी को सारी बातों का खुलासा हो जाता है। ये बात है, अगर मैं ये स्वीकार करूं कि वो पहली मैंने ही सुलझाई थी और 1 करोड़ लूं, तो मेरी जिंदगी आसान बन जाएगी। बंटी कुछ उलझन में पड़ता है। देखिए, ये पहली मैंने नहीं सुलझाई है, इसलिए इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं हूँ। बंटी की बात सुन के सारे उपस्थित लोग अचरज में पड़ते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का? लगता है शौक में गया है। मुझे लगा ही था ये छिछुंदर का ये महापहेली सुलझाएगा। पागल है क्या, 1 करोड़ पे पानी फेर रहा है। बंटी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इस इनाम का असली हकदार वो है जिनके गाड़ी का नंबर MP06AB5432 है। अरे, ये तो चैटर्जी सर के कार का नंबर है ना, इस न्यूज़पेपर के ओनर। What a coincidence, what a news। तभी बंटी ने बताई कार वहाँ आती है और कार से वही ऑफिसर उतरते हैं। वो बंटी के पास आते हैं। बंटी, इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं, तुम हो। सर, प्लीज हमें सारी हकीकत खुल के बताइए। Yes, sure। मैंने आखिरी एक जवाब ना आने पे वो न्यूज़पेपर फ्रस्ट्रेट होके बंटी की दुकान में फेंक दिया था। मेरे ही न्यूज़पेपर ने मुझे चैलेंज किया था और हराया था, इसीलिए मेरा ईगो हर्ट हुआ था। मिस्टर चैटर्जी की बात सुन के सारे लोग चकित होते हैं। लेकिन आज बंटी की ईमानदारी और होशियारी देख के मेरी आंखें खुल गई और मेरा इंटेलिजेंट होने का घमंड भी उतर गया। चैटर्जी की बातें सुन के सारे उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। बंटी की आंखें भर आती है। बंटी, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे। मिस्टर चैटर्जी बंटी को 1 करोड़ का चेक प्रदान करते हैं। सारा गांव बंटी की नम्रता, ईमानदारी और होशियारी देख के सराहना करता है। काश आज माँ और पिताजी होते।